आगे के नए वीडियो के साथ। तो आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट का पार्ट टू। पिछले पार्ट में मैंने फार्मर की फार्मिंग बताई थी विलेजरों की, तो इस बार हम ग्लास को तोड़ने की बात करेंगे। तो हम जैसे ही ग्लास को तोड़ते हैं तो एक ग्लास हमारे हाथ में ही नहीं आता। ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों सब क्यों होता क्यों ये देखो, क्यों नहीं आया हमारे हाथ में ग्लास? तो इसका मेरे पास सॉल्यूशन है। ये अगर शावल से तोड़ेंगे तो शावल से भी नहीं आएगा। तो एक मिनट ना, हमें ना अपने शावल को इंचांट करना पड़ेगा, और वो बुक का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये मैं आ रहा हूँ मेरे घर में, तो ये यहाँ पे मैं मेरे घर में आ चुका, और ये एनविल में जाना पड़ेगा पहले हमें। तो यहाँ से रखेंगे आयरन का शावल और यहाँ पे रखेंगे सिल्क टच की बुक। तो यहाँ पर आ गई है अपनी सिल्क टच की बुक। तो सॉरी यार, तो चलते हैं हम आगे। तो यहाँ से हमें जाना होगा अपने घर में। तो यहाँ से मैं मेरे घर में जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेरे घर में। तो ये मैं आ गया हूँ मेरे घर में। तो अब देखो, अब ये सिल्क टच में अपन ने कन्वर्ट कर लिया इस आयरन के शॉवल को। अब देखना आ जाएगा, और ये आ गया है ना मज़ेदार चीज़। तो ऐसा तुम अपने कुछ में कुछ किसी में भी कुछ कर सकते हो। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें एक मिनट इसको तो रखो, अगर तुम्हें ऐसे ग्रास वाला डायरेक्टली ब्लॉक चाहिए या फिर ऐसे येलो ब्लॉक चाहिए, तो बस बैठकर बैठो, ऐसे बैठ जाओ और इस सिल्क टच वाले ग्लास से तोड़ो, तो हम तुम्हें मिल जाएगा ग्रास ब्लॉक। और तुम्हें येलो चाहिए तो सिल्क टच वाले से तोड़ो, तो तुम्हें मिल जाएगा ग्रास पाथ। तो है ना मज़े की चीज़। तो आज के लिए इतना ही, बाय।